देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कहना मोहम्मद शमी के लिए बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद शमी ने वापसी की है वर्ल्ड कप अपनी टीम के लिए, बहुत ही जबरदस्त। अब तक हाईएस्ट विकेट टेकर्स बन गए इंडिया की तरफ से, और चल रहे वर्ल्ड कप में उम्मीद यही है कि आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस करते रहेंगे। और हर जगह बात हो रही है मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की, चाहे उनकी लाइन लेंथ हो, रिस्ट पोजिशन हो, सीम पोजिशन हो या स्विंग हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस सब के पीछे एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का हाथ है, आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मोहन बगान, जिस क्लब के लिए ये मोहम्मद शमी खेलते थे, उनके हेड कोच ने बताया कि वसीम अकरम का बहुत बड़ा हाथ है मोहम्मद शमी को बनाने में, क्योंकि 2013 जब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मोहम्मद शमी खेल रहे थे तो वसीम अकरम वहाँ के कोच थे, और वसीम अकरम ने इनकी रिस्ट पोजिशन अच्छी है ऐसा बोला, लेकिन उनके रिलीज पे काम किया। उनके रिलीज पे काम करने के बाद जो उनकी स्विंग थी, उनकी रिस्ट पोजिशन और सब कुछ का अमालगमेशन आपके सामने है। और उनके हेड कोच ने ये भी कहा कि वसीम अकरम हैज मेड हिम द बॉलर ही इज टुडे। ऑफ कोर्स ही हैज वर्कड अ लॉट ऑन हिम, बट अगेन इट्स ऑल्सो अबाउट मोहम्मद शमीज हार्ड वर्क जो उनको यहाँ तक पहुँचा दिया है और यहाँ पर ले आया है। तो यार आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के एंड तक कितनी विकेटें चटका देंगे, और क्या आपको लगता है कि मोहम्मद शमी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है असली ज्ञान।